You're a wizard, Harry. I'm a what? A wizard. Hey guys, hello everyone. मैं हूँ ध्रुव और आज हम बात करने जा रहे हैं फैन मेड मूवीज के बारे में. फैन मेड मूवीज पर किसकी? जी हाँ दोस्तों, हमारे और आप सभी के फेवरेट हैरी पॉटर की. तो दोस्तों चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहली मूवी है बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स. बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स एक शॉर्ट फैन मेड मूवी है जो कि 21 सितंबर 2012 को रिलीज हुई थी. यह मूवी हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोस पार्ट 2 से इंस्पायर्ड है और इसका मेन मोटिव यह है कि जितने भी कैरेक्टर हैरी पॉटर बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स यानी कि हमारे विजार्डिंग वॉर में मारे गए थे उन्हें एक ट्रिब्यूट दिया जा सके. इसमें आप देखेंगे कि एक तरफ डेथ ईटर्स है तो दूसरी तरफ हॉगवर्ट्स फोर्स है. इस मूवी का रन टाइम टोटल 16 मिनट का है और यह वन ऑफ द बेस्ट फैन मेड मूवीज में काउंट की जाती है. इस लिस्ट में दूसरी मूवी है द डे मगल्स फाउंड आउट. द डे मगल्स फाउंड आउट एक फैन मेड मूवी है जो कि 2 जुलाई 2016 को रिलीज हुई थी और इसका रन टाइम टोटल 8 मिनट का है. इस मूवी का कॉन्सेप्ट यह है कि जब मगलू लोगों को जादू के बारे में पता चल जाएगा तो क्या होगा और यही इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है. इस मूवी में दो लड़कों की स्टोरी दिखाई गई है जो जादू के बारे में जानते हैं और कैसे उनके एक्शंस जादू को लेकर उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं और उनकी ज़िंदगी बदल देते हैं. इसके बारे में एक और ख़ास बात बताऊं तो इस मूवी को शूट करने में केवल 2 दिन का समय लगा था, फिर भी इस मूवी को रिलीज़ होने में 1 साल लग गए क्योंकि इसको एडिट करने में ही लगभग 8 महीने का समय लगा. इस मूवी का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा पर यह एक इटालियन मूवी है और यह इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल नहीं है. फिर भी दोस्तों मैं आप सभी को यह मूवी कंसिडर करूँगा क्योंकि इसका रन टाइम केवल 8 मिनट का है और अगर आप एक हैरी पॉटर फैन हैं तो आप इस मूवी को ज़रूर देखिए. और मैं आप सभी को एक और आइडिया देना चाहूँगा कि जब भी आप इस मूवी को देख रहे हो तो इसका डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें, इसकी स्टोरी समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी. तीसरी मूवी है डंबलडोर एंड ग्रिंडलवॉल्ड द ग्रेटर गुड. दोस्तों यह मूवी 3 दिसंबर 2013 को रिलीज़ हुई थी और ये मूवी हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोस में बताई गई एल्बस डंबलडोर और ग्रिंडलवॉल्ड की स्टोरी पर बेस्ड है. इसमें आपको एल्बस डंबलडोर, उनके भाई एबरफोर्ड और उनकी बहन एरियाना के बारे में आपको जानने को मिलेगा और इसमें एल्बस डंबलडोर और ग्रिंडलवॉल्ड के रिलेशन के बारे में भी दिखाया गया है. इस मूवी की खास बात यह है कि इसमें आपको एल्बस और ग्रिंडलवॉल्ड के बीच एक ड्यूल देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी है और मुझे देखने में बेहतरीन लगी. साथ ही साथ आपको एरियाना और एबरफोर्ड की भी प्रेजेंस देखने को मिलेगी. इस मूवी की एडिटिंग, VFX, बैकग्राउंड स्कोर, कैमरा एंगल्स सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और यह मूवी इंग्लिश में भी अवेलेबल है. तो दोस्तों इस मूवी को आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इसका रन टाइम 17 मिनट का है और यह वन ऑफ द बेस्ट हैरी पॉटर फैन मेड मूवीज में काउंट की जाती है. चौथी मूवी है नेविल लॉन्गबॉटम एंड द ब्लैक फिश. तो दोस्तों यह मूवी 30 जुलाई 2019 को रिलीज हुई थी और इस मूवी की स्टोरी लाइन, एक्टिंग, VFX, एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर, कैमरा एंगल्स सभी चीज़ें काफ़ी अच्छी है. यह मूवी ऑलमोस्ट परफेक्ट है. बात करें इसकी स्टोरी लाइन की तो यह मूवी बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज और नेविल लॉन्गबॉटम के पेरेंट्स की स्टोरी पर बेस्ड है कि कैसे बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज नेविल लॉन्गबॉटम के पेरेंट्स को तड़पा तड़पा कर मारती है और कैसे नेविल लॉन्गबॉटम के पेरेंट्स बहादुरी से उसका सामना करते हैं और अपनी लड़ाई लड़ते हैं और अपनी आखिरी सांस तक अपना मुँह नहीं खोलते. अंत में इसमें आपको नेविल लॉन्गबॉटम भी देखने को मिलेंगे कि कैसे वह अपनी आगे की लाइफ अपनी ग्रैनी के साथ बिताते हैं. पांचवी मूवी है वोल्डेमॉर्ट ओरिजिन ऑफ द हीर. सो फ्रेंड्स ये मूवी 2018 को रिलीज़ हुई थी और ये हैरी पॉटर की फैन मेड मूवीज़ में यह सबसे फेमस मूवी मानी जाती है और यूट्यूब में भी इसे अच्छे खासे व्यूज़ मिले हैं. इसमें आप देखेंगे कि कैसे टॉम रिडल लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट में बदलते हैं और कैसे वह होक्रक्स क्रिएट करते हैं और उनका यूज़ करते हैं. यह मूवी 25 मिनट की है और इसमें आपको टॉम रिडल की पूरी स्टोरी जानने को मिलेगी क्योंकि यह मूवी लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की लाइफस्टाइल पर बेस्ड है. इस लिस्ट में छठी मूवी है लाइफ आफ्टर फ्रेड. यह एक छोटी सी फैन मेड मूवी है जो कि लगभग 2 मिनट और 10 सेकंड की है और यह 18 नवंबर 2016 को रिलीज़ हुई थी और इसमें रोनाल्ड विजली के भाई फ्रेड और जॉर्ज विजली को दिखाया गया है कि कैसे जॉर्ज विजली अपने भाई की डेथ के बाद अपनी लाइफ बिताते हैं और हाँ कैसे बिना फ्रेड के जॉर्ज अपनी लाइफ बिताता है और अपने आगे की ज़िंदगी जीता है. यह एक सिंपल सी हार्ट टचिंग स्टोरी है और अगर आप हैरी पॉटर के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इसमें काफ़ी चीज़ें नोटिस करेंगे कि कैसे फ्रेड की डेथ के बाद जॉर्ज अपने बालों का कलर चेंज कर देता है और इसी तरह की बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें. मैं आपको इस मूवी को देखने के लिए ज़रूर कंसिडर करूँगा और इसका पार्ट 2 भी जिस चैनल पर यह मूवी रिलीज़ हुई थी उसी चैनल पर आया था जो कि क्रिसमस डे पर रिलीज़ हुआ था
और इसका नाम है लाइफ आफ्टर फ्रेड क्रिसमस एट हॉगवर्ट्स, जो कि दिसंबर 19, 2017 को रिलीज़ हुई थी और यह मूवी भी 2 मिनट की ही है। तो आप इन दोनों मूवी को ज़रूर देखिए। 7वीं मूवी है सन ऑफ द मून। जी हाँ दोस्तों, यह भी एक हैरी पॉटर फैन मेड मूवी है जो कि रीमस ल्यूपिन हमारे वेयरवुल्फ पर बेस्ड है। इसमें दिखाया गया है कि रीमस ल्यूपिन कैसे फर्स्ट विजार्डिंग वॉर के टाइम अपने एनिमी के साथ फेस टू फेस आते हैं और डटकर उसका सामना करते हैं। साथ ही साथ आपको बहुत कुछ इस मूवी में देखने को मिलेगा। दोस्तों यह मूवी लगभग 14 मिनट की है और यह मूवी 30 अप्रैल 2018 को रिलीज़ हुई थी। इसमें आपको जेम्स, लिली, सीरियस, ल्यूपिन और पैटिग्रू भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ इसमें आपको विजार्डिंग वर्ल्ड की फाइट्स भी देखने को मिलेगी। तो इस मूवी को भी आप मिस ना करें। इस लिस्ट की 8वीं मूवी है सिस्टर्स ऑफ द ब्लैक हाउस। जी हाँ दोस्तों, यह इस लिस्ट की सबसे नई मूवी है जो कि 31 अक्टूबर 2019 को रिलीज़ हुई थी। यह एक प्रीक्वल मूवी है जो कि हैरी पॉटर में वोल्डेमॉर्ट के टाइम पर बेस्ड है। इसमें आपको बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज, एंड्रोमेडा और नार्सिका मेलफॉय जो कि 3 ब्लैक सिस्टर्स से उनके बारे में जानने को मिलेगा और कैसे वो किसका चुनाव करती हैं और अपने लाइफ आगे बढ़ाती हैं। ये 3 बहनें किस तरफ होंगी, किसका साथ देंगी, डेथ ईटर्स या फिर हॉगवर्ड फोर्स, यह आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलेगा। ये इस लिस्ट में सबसे लंबी मूवी है क्योंकि इसका रन टाइम टोटल 42 मिनट्स का है। इस लिस्ट की सबसे आखिरी और मेरी पसंदीदा मूवी है सेवरस स्नेप एंड द मैरेडर्स। तो फ्रेंड्स, यह एक फैन मेड मूवी है जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी और इसमें आपको जेम्स, लिली और हमारे और आप सभी के फेवरेट सेवरस स्नेप की लाइफ स्टोरी देखने को मिलेगी। इसमें आपको उनकी स्कूल लाइफ और हैरी के पैदा होने के पहले की स्टोरी देखने को मिलेगी और कैसे जेम्स, सीरियस, पीटर और रीमस स्नेप को परेशान किया करते थे, जिसकी झलक हमने हैरी पॉटर मूवी में देखी थी, वो भी इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। यह मेरी सबसे पसंदीदा हैरी पॉटर फैन मेड मूवी इसलिए है क्योंकि इसके एक्टर्स ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। इस मूवी को देख के ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग कर ही नहीं रहे हैं जबकि वो अपनी लाइफ खुद जी रहे हैं, ऐसा फील आता है। इसलिए यह मेरी सबसे पसंदीदा फैन मेड मूवी है। बात करें इसकी एडिटिंग की, VFX की, तो सभी चीज़ें ऑन पॉइंट है। दिस मूवी इज ऑलमोस्ट अ परफेक्ट पीस। यह मूवी टोटल 25 मिनट की है और इसको आपको ज़रूर ज़रूर देखना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं एंड करता हूँ। इस वीडियो में मैंने लगभग आपको 10 मूवीज़ बता दी है। हाँ 9, पर लाइफ आफ्टर फ्रेड में मैंने आपको उसके 2 पार्ट्स बताए, तो ऐसे गिने तो मैंने आपको टोटल 10 मूवीज़ बताई हैं। और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। दिस इज़ योर बॉय, अनदर विजार्डिंग वर्ल्ड फैन, ध्रुव।